हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे 12th क्लास के बच्चों के साथ। ये जो है आज का टॉपिक हमारा है, दैट इज फंक्शंस ऑफ जनरल असेंबली। फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ये जो है हम बात करेंगे, देयर आर सिक्स ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। एंड आज जो है हम बात करेंगे फंक्शंस, क्योंकि ये लेंथी टॉपिक है और इसको मैंने डिवाइड किया हुआ है। हम फंक्शंस को ले लेंगे, अभी तीन फंक्शंस को आज लेंगे, तीन ऑर्गन्स को आज लेंगे, एंड रिमेनिंग ही विल डिस्कस इन नेक्स्ट पार्ट। तो जहाँ तक जनरल असेंबली के फंक्शन से हम जनरल असेंबली जो है वो ओरिजिनली ये जो 51 कंट्रीज से शुरू हुई थी यूनाइटेड नेशन, और फिर आज की इसकी वो जो मेंबरशिप है इट इज़ 193। तो जनरल असेंबली के जहाँ तक हमने इसको बात किया हुआ है कि इनके जो मेंबरशिप है इनकी बढ़ती भी है, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज इसमें जो है वो आती हैं, वो इनका एक 51 से शुरू हुआ और टुडे इट इज़ 193। तो इसके जब वन सिटीज़ ऑर्गनाइज इट इज़ एस्टेब्लिश, और जब वंस हम कुछ चीज़ बन जाता है तो देन दैट ऑर्गनाइजेशन हैज सर्टन फंक्शंस टू परफॉर्म, सर्टन एक्टिविटीज विच आर असाइंड टू देम एंड दे हैव टू परफॉर्म दोज एक्टिविटीज। सो व्हाट एक्टिविटीज, व्हाई, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ जनरल असेंबली, हम देखेंगे जो वन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो इसके फंक्शंस को हम पढ़ेंगे, वी विल डिस्कस इट इन ब्रीफ नॉट इन डिटेल। हम देखेंगे कि जनरल असेंबली कैन डील विद ऑल मैटर्स विद इन द स्कोप ऑफ द यूनाइटेड चार्टर। हम जो भी यूनाइटेड नेशन के चार्टर हैं उन सारों के साथ डील करती है जनरल असेंबली। ऑल द मैटर्स, इट कैन डील विद ऑल द मैटर्स इन द स्कोप ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर। जो भी स्कोप है, जो भी इनके अंदर आता है, जो भी मैटर आता है उनके साथ डील करती है। ये हमारा एक फंक्शन है जनरल असेंबली का। देन नेक्स्ट, इट कैन मेक रिकमेंडेशन टू एनी मेंबर और टू द सिक्योरिटी काउंसिल और एनी क्वेश्चन विद इन इट्स ज्यूरिडिक्शन। ये रिकमेंडेशन देती है, देन इट गिव्स रिकमेंडेशन देती है यूनाइटेड नेशन को या किसी दूसरे मेंबर को अपनी ज्यूरिडिक्शन, व्हाट इज इट्स पेरिफेरी, इसका कहाँ तक एरिया एक्सटेंड है, इसका क्या क्या इसके फंक्शन से क्या क्या ये कर सकता है, व्हाट कम्स अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ जनरल असेंबली। इट कैन गिव रिकमेंडेशन टू द सिक्योरिटी काउंसिल और एनी मेंबर ऑफ द जनरल असेंबली, कहीं रिकमेंडेशन देगी क्या करना है कैसे करना है, दैट इज इट्स फंक्शन कि उसके अंडर उसके इन्फ्लुएंस में क्या है, तो वो ये देता है। देन कम्स नेक्स्ट, इट कंसीडर द प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेशन फॉर द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी। ये क्या करती है, थर्ड वन जो है ये प्रिंसिपल ऐसे प्रिंसिपल्स को लागू करती हैं जो कोऑपरेशन के लिए हों, कोऑपरेशन के लिए हों, जो पीस और सिक्योरिटी लाए पूरे वर्ल्ड में। इसका नेक्स्ट फंक्शन है कि इट कंसीडर वो ऐसे मसलों को, ऐसे प्रिंसिपल्स को कंसीडर करती है जो कोऑपरेशन के रिलेटेड हो फॉर द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड पीस, ताकि वो ऐसे चीज़ों को लागू करना
जिससे पूरी दुनिया में जो है वो कहीं ना कहीं पीस और सिक्योरिटी, कहीं पे अमन आएगा। इट मीन्स इट कंसिडर द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन फॉर द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी। देन इट कैन इनिशिएट द इनिशिएट द स्टडीज एंड मेक दीज रिकमेंडेशन। ये इन शुरुआत करती है, किसी स्टडी का शुरुआत करती है, फिर उस पर रिकमेंडेशन देती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉज इन कोडिफिकेशन। कोई भी इंटरनेशनल लॉ को इनिशिएट जो है जनरल असेंबली करती है उसके डेवलपमेंट के लिए, उसकी कोडिफिकेशन के लिए। क्या करना हो किसी भी लॉ को इनिशिएट जो है वो, और उसको रिकमेंड जो है वो जनरल असेंबली करती है। तो इट मींस ये शॉर्ट में हम इसको इन टाइम डिटेल नहीं जाएंगे। तो दीज वर द फंक्शंस ऑफ जनरल असेंबली। देन कम्स सिक्योरिटी काउंसिल, फिर उसके बाद जो है सिक्योरिटी काउंसिल। इट इज़ द सेकंड ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ये दूसरा है जिसमें हमारे 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट होते हैं और 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। तो इनका क्या फंक्शन होता है, ये क्या फंक्शंस करते हैं, इनका क्या क्या काम है? तो नंबर वन जो है द एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सक्लूजन देयर फ्रॉम कैन ओनली बी डन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। सपोज सिक्योरिटी काउंसिल जो है, कोई भी जनरल असेंबली में किसी कंट्री का एडिशन होता है, मींस को किसी कंट्री को ऐड करना है, तो ये जो है सिक्योरिटी काउंसिल ही एक सिक्योरिटी काउंसिल जो इसके लिए पीस जो और ये देखती है कि कहीं इसके आने से कहीं कहीं डेंजर तो नहीं है, खतरे के बगैर है, ऐसा है वो देख के इसे चेक करके फिर उसके बाद वो किसी भी कंट्री का एडमिशन करते हैं इसमें। और जो है फिर उसी की रिकमेंडेशन पे, ये सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन हो तो किसी कंट्री को जो है इस ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड किया जाता है। देन कम्स द नेक्स्ट, इट मेक्स द रिकमेंडेशन टू द जनरल असेंबली फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जनरल सेक्रेटरी। जैसे हमने बात की, इट गिव द रिकमेंडेशन टू जनरल असेंबली फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी जनरल। तो जहाँ तक सेक्रेटरी जनरल जो है, इट इज़ ये सबसे बड़ा जो है चीफ मतलब चीफ एडमिनिस्ट्रेटर इसको बोला जाता है। तो ये कैसे अपॉइंट किया जाता है, इसके लिए सिक्योरिटी काउंसिल जो है रिकमेंड करती है कि कौन सेक्रेटरी जनरल होगा, कौन एलिजिबल है इसके काबल, कैसे, चूँकि उस कंट्री से लिया जाता है, उस आदमी से लिया जाता है जो बिल्कुल डिस्प्यूट कहीं उसमें कोई कंसर्न नहीं डिस्प्यूट का, उस कंट्री का, उस स्टेट का कहीं पे कोई भी कन्फ्लिक्ट किसी दूसरी कंट्री के साथ नहीं होगा और वो लीड भी करता होगा, मींस उस आदमी को सेक्रेटरी जनरल के लिए जो है रिकमेंड सेक्रेटरी काउंसिल ही करती है। देन कम्स इट कैन टेक एनी मेजर्स necessary for maintenance and restore of international peace. Then comes international peace. कहीं पे आलमी इस जंग का खतरा है, कहीं पे दुनिया पे there is a dispute, there is a conflict between among the countries or between the countries. इन सारों को मद्देनजर ये measures, कोई भी necessary action, कोई भी जो ज़रूरी हो कि कहीं पे किसी भी इंटरनेशनल लेवल पे कहीं पीस लाने की ज़रूरत हो, तो उसके लिए नेसेसरी मेजर्स जो हैं वो सारे सिक्योरिटी काउंसिल, द फंक्शन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल दैट इट कैन टेक एनी नेसेसरी एक्शन, नेसेसरी मेजर
टू मेंटेन और रेस्टोर द इंटरनेशनल पीस। अगर रेस्टोर करना है या मेंटेन करना है तो ये इसका काम होता है। देन इट कैन आस्क टू एनी पार्टी, जो भी कोई भी कंसिस्टिंग पार्टी हो, कि जो भी कहीं पे कंफ्लिक्ट है, किसी के दरमियान डिस्प्यूट है, इट कैन आस्क टू एनी पार्टी टू सॉल्व यर कंफ्लिक्ट्स बाय द पीसफुल मींस। मींस स्टडी काउंसिल ही है जो डायरेक्शंस देती हैं उन कंट्रीज को जिनके दरमियान में झगड़ा हो, कंफ्लिक्ट हो, वो उन्हें बोलता है कि बाय द पीसफुल मींस यू कैन रिजॉल्व योर डिस्प्यूट बाय द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन, बाय द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी और मेडिएशन। आप किसी सालस को लाए, आप इसकी इंक्वायरी कीजिए, आप इसके लिए बातचीत कीजिए, तो आप इन मसलों को, आप मसाइल्स को ख़त्म करें और पीस लाने की कोशिश। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। नाउ फंक्शंस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब जो है नाउ फंक्शंस ऑफ ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, इट इज वन ऑफ द ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। इट इज मेंट फॉर रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट अमंग द कंट्रीज आर, ये जो है बिटवीन द कंट्रीज। ये जो है इनको इन शॉर्ट हम पढ़ेंगे कि इट डिसाइड डिस्प्यूट अमंग द डिफरेंट स्टेट्स। इन एनी स्टेट्स कैन रेफर इट्स केस टू कोर्ट फॉर इट्स डिसीजन। मीन्स ये एक तो करता है, इट कैन डिसाइड केसेस अमंग द स्टेट, अमंग द स्टेट्स, और इट कैन, ये फ्री डायरेक्शंस भी किसी स्टेट को देता है कि वो अपने केस को रेफर करे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। देन इट हियर्स एंड डिसाइड डिस्प्यूट ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। फिर ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ के तहत इट कैन डिस्प्यूट द केसेस अमंग और बिटवीन द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, जो है किसी स्टेट के लॉ के तहत नहीं, बट ये इंटरनेशनल लॉ, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ के जो हैं उसी के तहत जो है केसेस को डिस्प्यूट करता है, या यूनाइटेड नेशन के चार्टर के मुताबिक और UN चार्टर जो है उनके तहत जो है केसेस को डिसाइड करता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। या तो इंटरनेशनल ट्रीटी हो या तो इंटरनेशनल कस्टम्स एंड ट्रेडिएशन हो, उसके कस्टम के मुताबिक, उसके ट्रेडिएशन के मुताबिक, ट्रीटीज, इंटरनेशनल ट्रीटीज के, UN चार्टर के मुताबिक जो है केसेस को डिफाइन करता है। द जनरल असेंबली के आस्क फॉर लीगल एडवाइस ऑन एनी इशू फ्रॉम इट्स डिसीजन, और ओनली इन द फॉर्म ऑफ एडवाइस ऑन एनी इशू फ्रॉम द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ। तो ये किसी को भी एडवाइस, किसी को भी डायरेक्शन दे सकता है कि आप कैसे कीजिए, इनको डायरेक्शन दे सकता है, इनको एडवाइस दे सकता है, सिर्फ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ही, किसी के भी जो है रिलेटेड, चाहे क्या भी जो है मैटर है, इशू क्या भी है, तो डायरेक्शंस जो है वो इंस्ट्रक्शंस जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ही दे सकता है। तो सो ये जो थे हमारे फंक्शंस की बात थी तीन, तो रिमेनिंग जो है लंबा हो जाएगा। अब जो बाकी तीन फंक्शंस हैं इनको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।